हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नो कॉन्टैक्ट पर उनकी ट्रू फीलिंग्स इस तरह की तमाम रीडिंग्स अपलोड कर रही थी, तो उसमें मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज पिक हो रहा था कि योर पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, एंड बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे थे। तो लेट्स सी कि अगर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ये नो कांटेक्ट लोगों के लिए भी हो सकती है, ये उन लोगों के लिए भी हो सकती है जिनमें नाराज़गी हुई भी है, या बिला वजह में कोई बात नहीं हो रही, किसी की ईगो आड़े आ रही है, क्या जो कुछ भी हो रहा है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल। आप उसको उसी तरीके से लीजिएगा जिस तरह आपको अपनी सिचुएशन लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इनको सारे इम्पोज मत की लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई डिसीजन भी मत बनाइएगा कि अनलेस आपको अपनी सिचुएशन की रियलिटी पता ना चल जाए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अरे, क्या आपके पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? अगर आपको वाकई ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको मिस कर रहे हैं और आप भी उनको उतनी ही शिद्दत से मिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक सिमिलर एनर्जी है जो कि टेलीपैथिकली एक्सचेंज हो रही है। तो क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, यानी लिटरली वो आपको कॉल मैसेज या आपसे मुलाकात करेंगे या नहीं? लेट्स सी। क्यों खांसी शुरू हो गई भाई, मुझे अच्छे भली में बैठी हुई थी। चलो, किस्सा ही मुक गया। हैंग्ड मैन, पाइसीज, ये तो एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है। टेम्परेंस, अच्छा नहीं, अभी उम्मीद है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके। हाई प्रीस्टेस, अरे मेजर आर्का, अरे स्ट्रेट नहीं, एक अलग है, सही। पाइसीज, अगेन पाइसीज, सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो क्या आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आई थिंक आपके पर्सन अपनी लाइफ में जो चीज़ें इम्बैलेंस थी, या चीज़ों में ईगो क्लोजर समझ नहीं थी, क्रॉस रोड अंडरस्टैंडिंग फीलिंग के भाई मुझे मोहब्बत है, या मैं उसको फ्रेंड समझता हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरी पार्टनर है, या मैरिज मटीरियल है, व्हाटसोएवर। अगर ये जो इस तरह की कन्फ्यूजन थी, आपने काफ़ी हद तक अगर ये अटके हुए थे, तो आपने इनको अटके लटके होने दिया, बिकॉज आपने इनको टाइम दिया कि ये अंडरस्टैंड करें कि इनके खुद के दिमाग में क्या है। क्योंकि अगर इंसान कन्फ्यूज होगा तो वो सारी ज़िंदगी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रखेगा, जो कि इन्होंने की है शायद। आई थिंक आपने इनके साथ इनकी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने इनके साथ अपनी तरह का ट्रीटमेंट किया, बिकॉज आपको ये पता था कि आपने रुके रहना है या आगे बढ़ना है। ये आपको बहुत नोटिस भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनको पता भी चल रहा है कि आप कहीं पे भी रुके हुए नहीं हैं, आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, और आपने अपनी लाइफ में वो तमाम चीज़ें अचीव कर लीं जो कि लोग ख्वाहिश करते हैं, या लोगों को लगता है कि ये किसी ना किसी की सीढ़ी बनाकर चढ़ा जाता है। आपने इंडिपेंडेंटली वो तमाम चीज़ें अपनी लाइफ में बैलेंस की हैं। और जहाँ तक कॉन्टैक्ट करने की बात है, काफ़ी अरसा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और वो अरसा कुछ इस तरह का लग रहा है कि जिस वक्त आपने सब बातें कहीं, या आप दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसमें इनको खुद समझ में नहीं आया कि ये, इन्होंने उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं लिया, इन्होंने कोई उसका रिस्पांस और कोई फीडबैक नहीं दिया, जिसमें इनको अब लग रहा है कि इतना टाइम हो गया और वक्त इतना निकल गया, हो सकता है 2 साल हो गए हों या 2 महीने हो गए हों। एंड विद द सजिटेरियस, आई थिंक ये सजिटेरियस मंथ है और बिल्कुल एंड हो रहा है, कस्प स्टार्ट हो चुका है, तो आई थिंक जो बैलेंस आना था वो बैलेंस आ चुका इनकी समझ में और आपकी पर्सनैलिटी में। इनको मालूम है कि आप सेंस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, जो मैंने अपनी रीडिंग के बिगनिंग में भी कहा, इनको बहुत दफ़ा बाज़ दफ़ा डेस्परेटली ये फील भी होता है कि ये आपसे बात कर ले, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आता कि ये, इन्होंने इतना टाइम ले लिया तो ये बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आप इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब है और कि आप सांस भी लेते हैं, और अगर आप महसूस भी करते हैं, आपके मुंह से बहुत स्पॉन्टेनियसली नाम निकल भी जाता है, स्लिप टंग की तरह, मुझे ऐसा विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये लग रहा है,
और आप अपनी इस सक्सेस को या इनके साथ जो सक्सेस हुई है ये चाहते हैं कि विटनेस हो, और आपको इन्होंने बहुत नोटिसेबली नोटिस किया है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं इनको कहीं से पता चला है आपकी ग्रोथ का एंड आपकी स्टेबिलिटी का पता चला है। लिटरली विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं एंड आई थिंक आपके पर्सन बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो मैसेज कॉल या मिलना या कॉन्टैक्ट करने में सिर्फ उनकी अड़ास ही आ रही है कि वो क्या बात करें, क्योंकि विद द हैंग मैन आई थिंक उन्होंने अभी भी अपने लिए बहुत से मैटर्स को ना अनरिजॉल्व्ड रखा हुआ है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। और आपको भी बहुत कोफ्त और झुंझलाहट होती होगी, लेकिन आप काम में इतने बिजी हैं, आप मसरूफ़ इतने हैं एंड यू आर डूइंग वेरी गुड फाइनेंशियली विच आई कैन सी हियर, तो उसकी वजह से आपको कोई और कोडिपेंडेंसी हो भी नहीं रही। इनके जो मिथ था, इनके जो दिमाग में था कि आप इनके पैसे की वजह से हैं इनके पीछे, वो मिथ टूटा है। बिकॉज इंसान मोहब्बत के लिए अगर भूखा होता है तो वो मोहब्बत ही चाह रहा होता है, वो ऑनेस्टी चाह रहा होता है, वो खलूस चाह रहा होता है। कोई गिले शिकवे हुए भी हैं तो उन गिले शिकवों को निगोशिएट करो, बात रफा दफा करो, आगे बढ़ाओ। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने मिस्टीरियस रखा सिचुएशन को। आपने जो भी अपनी नाराज़गी शिकवा शो किया, इन्होंने मिस्टीरियस रखा, इन्होंने आपको छोड़ दिया उस कन्फ्यूजन में। शायद किसी को लिटरली ऐसा ब्लेम कराया कि जो तुम्हारे दिमाग में खन्नास है वो तुम्हारी खुद की क्रिएट की हुई है, और आपने उस चीज़ को एडमिट किया, ओके फाइन अगर ये खन्नास है तो लेट इट बी, एंड देन यू मूव्ड ऑन। और मूव्ड ऑन होने में यू केप्ट ऑन वर्किंग, ऑल्दो दैट फेज वाज वेरी डिफिकल्ट, बट यू केप्ट ऑन डूइंग। और मुझे बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि वो लोग हीलिंग एक्सरसाइज में आ गए हैं, वो लोग इंट्यूशन साइकिक रीडिंग में आ गए हैं, बहुत सारे लोग। आई मीन इट्स वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। तो आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने में उनके मुँह में कुछ बात नहीं है, इवन वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि कोई बहाना मिल जाए। लेट्स सी क्या बहाना मिलता है भाई। पहले तो ये देखते हैं कि रीडिंग और क्या आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट गुड। थ्री ऑफ कप्स, ओके मैजिशियन आ जाता है तो बात क्लियर हो जाती है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ये बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि आपसे किसी तरीके से बात हो जाए। ये एक सरप्राइज मीटिंग, कोई सरप्राइज इनविटेशन या कोई सरप्राइज विजिट इनका कुछ ऐसा होगा। इनको इरिटेशन भी हो रही है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे रियली वांट टू कम टू यू। यस आई डोंट नो, मुझे इस कार्ड को देख के क्यों जेलेसी फील हो रही है। एक अचीवमेंट, एक वो जो चीज़ जो कि एक इंसान सोचता है कि मेरे बगैर नहीं हो सकती, आपने वो कर ली, और इसमें इनको थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है। एंड दे रियली वांटेड टू रश, ये आपकी तरफ रश करना, बिकॉज इनको इस सेलिब्रेशन का, इस फन टाइम का, इस हल्ले गुल्ले का ना इनको पार्ट बनना है। हाँ, एंड ये प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि मैं तो वही टिंडे टमाटर वाली बात मेरी बड़ी मशहूर हो गई, दो तीन रीडिंग से पहले मैंने कही थी मैं तो टिंडे टमाटर लेने गया था, तुम आज मटर छीलोगी, ओ हेलो। तो ये कुछ इस तरह की मैनिफेस्टेशन हो रही है, और ये बहुत स्ट्रांगली आई थिंक, मुझे यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूँ बहुत क्लियरली, मैं आपको भी कहूँगी जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे लग रहा है बैक ऑफ द माइंड आपको खुद भी पता है कि ये एक हैपनिंग मीटिंग होगी बिल्कुल, और ये बहुत गार्डेड आएंगे, जब बिल्कुल टिंडे टमाटर और मटर वाली मीटिंग होगी। ओ लेकिन दोनों को पता होगा, आपको यूँ पता है कि वापस तो इसने आना है, इसने कहीं नहीं जाना, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्वीट सरप्राइज आई मस्ट से। इन फैक्ट यू आर गोइंग टू फील वेरी गुड बिकॉज आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं विद द बैलेंस एंड विद द थ्री ऑफ कप्स, यू आर इन अ वेरी सेलिब्रेशन एंड वेरी हैप्पी मूड, एंड विद दिस हैप्पी मूड यू नो यू विल फील दैट मेरी मैनिफेस्टेशन काम की है। उनको लगेगा नहीं ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, देखो ऐसा हो गया, मैंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली। बट द मोमेंट यू पीपल आर गोइंग टू सरप्राइजिंगली मीट ईच अदर, आप लोग एक दूसरे से अचानक मिलेंगे या कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल कुछ ऐसा होगा, तो ये काफ़ी, ये आपको यूँ देखेंगे कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो गए हैं, और आपका रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है वो इतना ईजी होगा कि इनको ये काफ़ी सरप्राइज करेगा। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं लड़ाई, लेकिन मैं आपको लड़ते हुए नहीं देख रही। येस बिकॉज आप में अब इनको फेस करने की स्ट्रेंथ आ गई है लियो, ठीक है।
लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड लियो वेरी स्ट्रांगली। इनको मालूम है कि आप ये हैं, लेकिन जब आपका इनसे कांटेक्ट होगा तो आप ये बन चुके होंगे। आप यहाँ देख लीजिए, ये एक साइन भी है एंड इट इज़ गोइंग टू, इनको आप इस तरह से याद हैं, फाड़ के खा जाने वाली इंसान, औरत हो या मर्द हो, बट आपके अंदर ये चीज़ थी। हो सकता है आपने इनको ऐसी बातें कही हों और ऐसा कुछ कहा हो, लेकिन जितने सॉफ्ट अब आप हो चुके हैं, यू आर इन अ वेरी लाइट एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्स देने वाले हैं आप, अगर आपके पर्सन ने आपसे कॉन्टैक्ट किया तो। दे नो दे लेफ्ट यू इन कोल्ड, दे नो दे लेफ्ट यू वेन यू नीडेड देम मोस्ट, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन्होंने तब आपको छोड़ा, और ये इनका कार्मा है। इनको डिवाइन कॉलिंग डाउनलोडिंग हो रही है कि यार मैंने सही नहीं किया था, ठीक है। तो ये आपको कॉन्टैक्ट श्योरली, अगर ये कॉन्टैक्ट आपको नहीं भी कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, कोई क्लू नहीं दे रहे, ये आपको 24/7 मिस कर रहे हैं, इसीलिए आप इनको मिस कर रहे हैं। तो ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं, अगर इनमें तप्पड़ होगा तो ये कॉन्टैक्ट करेंगे, वरना ये इसी तरीके से ठंडी ठंडी करते रहेंगे, ठंडी ठंडी आहें भरते रहेंगे, आहें आह। चलें जी, और देखते हैं क्या एनर्जी है, और देखते हैं जनाब की क्या एनर्जी है। रिन्यूअल, गुड गुड गुड। ग्रीफ, अरे वाह भाई, कॉम्प्लेसेंसी, इसको मैं हमेशा थोड़ा सा बिटर स्वीट, वो टिंडे टमाटर वाली जो बात है ना, ये बोलेंगे यार चलो ये बिटर स्वीट से, टिंडे टमाटर यार थोड़े से मटर मैं भी तुम्हारे पका लेता हूँ या पका लेती हूँ कुछ, इस समय में जो भी हूँ। इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो आपकी चेंज आई है पर्सनैलिटी की, और ये जो चेंज आया, ये जो बैलेंस आया, और ये जो इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हुई, ये जो साइकिक हीलिंग पर आप आए हैं, इसने आपको हर उस शख्स को पलटा दिया आपकी तरफ जिन्होंने आपको इस साल बड़ा हार्ड टाइम दिया था। ये मैं आपको बता दूं, आप इतने कॉन्फिडेंट और इतने फेयर और ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रीफ, पछतावा, अंदर का दुख, रोना पिटना, खट्टा मीठा रिश्ता, ये लोग अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं। इन लोग की कंप्लीशन बाकी है, आपका रिन्यूअल हो चुका है लाइफ का, थिंकिंग का, मेडिटेशन का, पर्पस का, लाइफ पाथ का, सब चीज़ों का। आपने अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये लोग आपको सोचते हैं, ये जो पर्सन हैं और बहुत सारे लोग जो इस पूरे साल आपकी लाइफ में रहे, वाई शी इज़ नॉट सैड, वाई शी इज़ नॉट अनहैप्पी, वाई शी डजेंट थिंक और वाई ही डजेंट थिंक कि इन्होंने, इनकी लाइफ में दुख हैं, इनकी लाइफ में परेशानियाँ हैं, यानी जो भी आपको देखता होगा, मेल हो या फीमेल, ये ऐसा सोचते, बिकॉज यहाँ बहुत सारी लेडीज़ ही लेडीज़ आ रही हैं। आप हर कार्ड में नोटिस करें तो इधर भी लेडीज़, इधर भी लेडीज़, तो आई थिंक आज मैं जिनकी रीडिंग देख रही हूँ वो ज़्यादातर फीमेल ही हैं, एंड मेरे चैनल पर वैसे ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं, मेल हैं लेकिन वो प्राइवेट रीडिंग्स में एक्टिव होते हैं। तो हर वक्त ये खट्टा मीठी बात रहती है, इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझे कांटेक्ट कर लेगी, ये मुझे कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट आ जाएगा, इसका कॉल टेक्स्ट आ जाएगा, ये नहीं रह पाएगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस भाई, गुड गुड गुड। बॉटम ऑफ द डेक, इम्पेशेंट, देखिए ये इम्पेशेंट हो रहे हैं, ये पता है आपको ऐसी एनर्जी और उजलत भेज रहे हैं, ऐसी जल्दबाजी और बेचैनी भेज रहे हैं एनर्जी के थ्रू, कि आपके अंदर वो इम्पेशेंस आ रहा है और आप यही फील कर रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, ब्रीदिंग तेज़ हो रही है, आपको सोते हुए बाज़ दफ़ा लगता है जैसे एकदम से आपकी आँख खुल गई, किसी ने मिस किया, आपको ख्वाब आ रहा है, ये सब चीज़ें बिकॉज वो आपको बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और वो उनको समझ नहीं पड़ रही कि वो करें तो क्या करें। लेट्स सी, हनीमून, छुट्टियाँ, ट्रैवल, डिसेप्शन, चिल्ड्रन, सब कुछ, रन एंड रिलीज योर एक्स। आई थिंक आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको ये मैसेज भेजना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करके ये बात हिडन वर्ड्स में ही कहना चाहते हैं कि जो मैंने, ये आपके एक्स भी हैं, ये मुझे आपके बहुत स्ट्रांगली एक्स ही लग रहे हैं क्योंकि एक्स का कार्ड आया है। ये आपको लिटरली रिन्यूअल के कार्ड से और इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको लिटरली एक हिडन वर्ड्स में तो मैसेज ये बिल्कुल एनर्जी के थ्रू भेज रहे हैं कि जो उनसे पास्ट में हुआ
काश उसको ऐसा इरेजर की तरह मिटा दिया जाए और लेट्स स्टार्ट फ्रेश, बिकॉज विद द हनीमून कार्ड एंड द थिंग्स विच जिन चीज़ों ने रिश्ते को ख़राब किया, जिन चीज़ों में जो सच्चाइयाँ पता चल गईं और बच्चे थे साथ में, ये सब कुछ था, बच्चे छुपाए हुए थे या जो कुछ भी हुआ हुआ था, ये दो चीज़ें अगर हट जाएं तो इस तरह मुझे एक्सेप्ट कर लो विद द हनीमून एंड विद रिलीजिंग द पास्ट एनर्जी. बॉटम ऑफ द डेक, कीप एन ओपन माइंड, राइट. He wants you to understand him or her the way they are. Because ये आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ मेरे साथ थी चीज़ें, मेरे साथ थे मसले, बट मैंने एक्सेप्ट किया और हाँ मैंने ये डिसेप्शन रखा, ये धोखा रखा, बट एक्सेप्ट मी. बता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट, ये इतना एक्सेप्टेंस के इतना मैसेज क्लिक कर रहा है कि बिल्कुल लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको हिडन वर्ड्स में कह रहे हो कि मुझे एक्सेप्ट कर लो. लेकिन भाई एफर्ट तो बंदे को ही करनी पड़ेगी. कोडिपेंडेंसी, सी मैंने कोडिपेंडेंसी की बात की थी कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में ये प्रूव कर दिया कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने बलबूते पर अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं. हो सकता है इनको कोई कोडिपेंडेंसी हो, इनको कोडिपेंडेंसी आपके जाने के बाद आपकी एब्सेंस में फ़ील हो रही है कि मैं तो नहीं ध्यान मेरा हट पा रहा इसके ऊपर से, और रोमांटिक लाइफ के अंदर मेरी रोमांस लाइफ में मैं कहीं पर भी चले जाऊं लेकिन मुझे उसकी याद सता रही है. तो ये तो एक लिटरली कोडिपेंडेंसी हो गई है, यानी कि वो एक एनर्जी मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मुझे मिस होती है. तो दैट्स इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो लेट्स सी मोर, और देखते हैं जनाब यहाँ से ऑरेकल्स चेक करते हैं कि क्या आपको वो जो कॉन्टैक्ट करेंगे किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन. क्राउन चक्र आया है, वहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है. गुड वर्क, गुड जॉब पार्टनर, बहुत अच्छा काम किया, बहुत चंगा कीता, अपने साथ तो बहुत ही अच्छा कीता. चलें जी, लेट्स सी और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं और देखते हैं इनकी तरफ से. लव, ओके, Surely they want to reunite, भाई. I think ये literally ऐसे चाहते हैं कि बस मैं आऊँ तो मुझे देखो, तो मुझे मुस्करा के देखो, मैं तुम्हें मुस्करा कर देखूँ, तुम मुझे आई लव यू बोलो, मैं तुम्हें आई लव यू बोलूँ, और फिर तुम वो डंडा जो है ना कहीं अलग कर दो, जो तुम डंडा मुझे करने के लिए हाथ में पकड़े हुए हो, बस तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम कुछ और ना पकड़ो, और डंडा साइड में कर दो जिस डंडे से तुमने मेरा सर फोड़ना है. तो ये जो रिलीज योर एक्स वाली एनर्जी है, एक्चुअली दे आर रियली मिसिंग यू. And the love they felt with you, I think they didn't feel with anybody. This is something very sweet. Bahut mohabbat hai Thakur. Well deserved reward. I think you have proven yourself. Aapne sabit kar diya ke wo gana hai na, meri yaad hogi jidhar jaoge tum. कभी नगमा बन के कभी बन के आंसू. खैर ये बहुत लंबा इसका वो है, बट आपने प्रूव कर दिया है कि इस वक्त जो आपकी लाइफ है, इस वक्त आप जिस मोड में हैं, आई थिंक इतना स्ट्रांगली देखिए मैनिफेस्टेशन ये होती है जो इस वक्त आपने बाय डिफ़ॉल्ट की इस बंदे को मिस ना करके, इतना तगड़ा मकनातीस या मैग्नेट इनके पीछे लग आपके पीछे लगा हुआ था कि इस बंदे को खींच के ले आई, जबकि वो आपने मैग्नेट ऐसी जगह लगाया था कि आप भूल गए थे कि आपने मैग्नेट कहाँ लगाया. आई मीन इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट द काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन यू डिड बाय नॉट मिसिंग देम एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर आपने काम किया, अपने आप को मसरूफ किया. क्यों? क्योंकि आप याद नहीं करना चाहते थे, चाहे 2 साल हो गए हो या 2 हफ्ते हो गए हो, 2 महीने हो गए हो, बट यू एंगेज योर सेल्फ सो वेल कि राइट नाउ आप इस वक्त जिस पोजिशन में हैं, ये बंदा लिटरली नोटिस कर रहा है कि यार मेरी तो झाड़ू के तिनके जैसी वैल्यू नहीं रही है. विन और लूज, वेरी क्लियर. आई मीन यू आर, आप बिल्कुल क्लियर हैं. टिकना टिकती है तो टेको, वरना 3 अट्टी देखो. जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको 3 अट्टी का पता होगा, इट्स एन एरिया.
और जो बाहर के लोग हैं, मतलब आपको रुकना है तो रुके, व्हेन माय वे और हाईवे वाली बात आपने कर दी, और आपको कोई फर्क नहीं है आपकी लाइफ में कौन रुकता है कौन नहीं रुकता, ये रुकते हैं नहीं रुकते, आपको कोई फर्क नहीं है। तो रीडिंग का जो बात है कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ये बहुत बेचैन है भाई, बहुत बेचैन है। लेकिन भाई इतना जब तुमने तगड़ा काम किया है तो खुदा के वास्ते इस रीडिंग के बाद मोबाइल उठाकर ये ना बोल देना मैंने टैरो रीडिंग देखी थी, उसमें पता चला तुम बहुत बेचैन हो। क्या तुम बेचैन हो? फिर वो आगे से बोले नहीं मैं तो नहीं बेचैन हूँ। पॉ, ये नहीं करना, ये नहीं कर। इट्स गुड टू नो दैट समबडी इज मिसिंग यू, लेट देम मेक एन एफर्ट। ऑलराइट, आप अपना वही काम करते रहें जिसने इस बंदे को हेल्पलेस बना दिया कि आज ये इस एनर्जी में है। यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द चैलेंजिंग टाइम, नाउ ही और शी हैज़ टू फेस दिस चैलेंजिंग टाइम। ये एनर्जी इनको महसूस करने दें, प्रोसेस करने दें, ताकि ये समझ सकें कि कैसे रिश्तों में चेंजेस आती हैं और उनको सही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।